स्पेशल कवरेज न्यूज अब सिर्फ। नमस्कार, देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन 18 इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच चुकी है। बताया जाता है इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। यह ट्रेन इलाहाबाद में बहुत पहले आने वाली थी, एक दिन पहले, लेकिन किसी टेक्निकल कारणों की वजह से यह ट्रेन आ नहीं सकी। फिलहाल पूरे इलाहाबाद के लोग उस जोश उत्साह के साथ ट्रेन के अंदर जा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। ट्रेन में घुसने का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल T80 ट्रेन आज सुबह दिल्ली से प्रयागराज पहुंची। यह ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसमें CCTV कैमरे आदि सुविधाओं से यह लैस है। इसमें सुरक्षा का विशेष इंतजाम रखा गया है। कुंभ में आने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा इस ट्रेन से मिलेगी। यह ट्रेन पूरी तरह से चेयर कार की तरह है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चलने वाली ट्रेन है और इसके अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो इसके अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसके अंदर CCTV कैमरास लगे हैं जिनकी फीड सीधे लोको पायलट को मिल रही है। इसके अंदर एक अलार्म सिस्टम है, आप दबाइए तो आप सीधे लोको पायलट से या गार्ड से बात कर सकते हैं। इसके अंदर स्विमिंग सीट्स हैं, सीट्स घूम जाती हैं पूरी। एक दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट है, आप बटन दबाइए टॉयलेट की सीट अपने आप खुल जाती है, आई मीन टॉयलेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन बनाई गई है। इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया है कि अगर इसका दरवाज़ा खोलना हो तो आप बटन दबाइए, दरवाज़ा खुलता है और स्लाइडिंग फुटरेस्ट बाहर आता है, जिससे कि कोई गलती से भी ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में पैर जाने वाला जो खतरा होता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। एल्युमिनियम कोचेज हैं, एंटी टेलीस्कोपिक कोचेज हैं, न्यूमेटिक सस्पेंशन है। कुल मिला के एक ज़बरदस्त ऑफरिंग भारतीय रेलवे की, जो कि हम लोगों ने एक नई रेल के रूप में एक नए साल में भारत की जनता को दी है। और इसमें बहुत उत्साह देखने को मिला है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे आया हूँ, बच्चे आ रहे हैं, यहाँ के सब लोग आ रहे हैं, जितनी भीड़ हमारे आसपास है सबके सब लोग आ रहे हैं। आज तो ये ट्रायल रन है, जब इसकी कमर्शियल ट्रायल की बात कर लें, ट्रायल कैसा रहा दिल्ली से चलिए रात में? ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा है इसका और जितने भी पैरामीटर्स थे उन सारे पैरामीटर्स पे ट्रेन सफल पाई गई है। और अभी लौटते में फिर इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन है जो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेन 18 कुछ ही पलों बाद दिल्ली के लिए रवाना।